दोस्तों उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य पर आज जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ आया है, उसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर धीरे धीरे बादल छाना शुरू हो गए हैं। बात करें दोस्तों अगर हम 27 अप्रैल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो शुरू होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं, उनके कारण किस तरह से बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया WD आ चुका है। इसके कारण राजस्थान के हम कह सकते हैं उत्तरी भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है। इसकी वजह से ही जो आप देख पा रहे हैं, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल जो है वे देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये धीरे धीरे बादल और अधिक घने हो जाएंगे 27 अप्रैल तक, और कई भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारिश होने के आसार है। इधर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग है उनके दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दोस्तों लगभग 28 या 29 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। 29 अप्रैल के दौरान एक और नया ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, उसके कारण फिर से बारिश होने की संभावनाएं हैं। और देखिए दोस्तों, मई के पहले सप्ताह में ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जो है वे लगातार जो है हमें नजर आ रही है। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, आपको जो है दिखाएंगे भी, मैप भी दिखाएंगे कि किस तरह से कई जिले जो है उत्तर प्रदेश के उन पर भारी बारिश होने की जो संभावना है वे अभी से नजर आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियां जैसा कि हमने आपको बताया कि 6-7 मई तक जो है ये ऑन ऑफ जो है उत्तर प्रदेश राज्य पर देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि 27 अप्रैल में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 27 अप्रैल की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखें 27 अप्रैल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगाकर, और इसमें साजापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा और झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, कासगंज, ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। कई इलाकों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। इधर जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले जो दक्षिणी भाग है मध्य प्रदेश से सटे हुए, इसमें महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र से लगाकर चंदौली और जौनपुर, कौसाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है उसके कारण जो असर है उसका पश्चिम विक्षोभ का, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक जो सर्कुलेशन है वो दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना और महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है, तो इसके कारण ये जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का, ये इस तरह से भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है। तो मध्य प्रदेश पर भी, छत्तीसगढ़ पर भी बारिश होगी, तो उसके कारण यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के भाग दक्षिणी भाग है वे इससे मध्य प्रदेश से सटे हुए, तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। जो कि उत्तरी जो जिले हैं यहाँ पर हल्के बादल पहुंचेंगे, यहाँ पर बारिश होने की कम संभावनाएं हैं। हवाओं की रफ्तार भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर सामान्य से अधिक देखने को मिलेगी, तो इस तरह का मौसम 27 अप्रैल में रहेगा। 28 अप्रैल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, 28 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, कई भागों पर बारिश की होने की संभावनाएं हैं और ये बारिश की गतिविधियां लगातार जो है वे बढ़ती रहेंगी। 29 अप्रैल की अगर बात करें, 29 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल के साथ बारिश होने के आसार हैं। 30 अप्रैल आते आते कानपुर और लखनऊ के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। 1 मई की अगर बात करें, 1 मई में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 मई की दोस्तों अगर बात करते हैं, बरेली जिले के आसपास के भागों पर काफी भारी बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों यहां पर अगर हम 3 मई की बात करते हैं, 3 मई में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई भागों पर भारी बारिश होने का आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और दोस्तों 4 मई की अगर बात करें, बरेली से लगा के और बदायूं, कासगंज, फरुखाबाद, साजापुर, हरदोई के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वे लगातार नजर आ रहे हैं। और दोस्तों 5 मई की अगर बात करें, 5 मई में भी उत्तर प्रदेश के काफी भागों पर बादल रहेंगे और बारिश होने की दोस्तों जो संभावनाएं हैं वो लगातार हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों इस
वेदर सिस्टमों के कारण, क्योंकि एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंचेगा, नए नए पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएंगे, तो इनके कारण उत्तर प्रदेश पर ये बारिश की गतिविधियां कई दिनों तक देखने को मिलेगी अलग अलग इलाकों पर, और कई इलाकों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारी बारिश होने के भी आसार है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।